दी लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मेडिकल स्टाफ के लिए उपयोगी सामानों की जरूरत भी बढ़ रही है। सरकार ने इसके लिए 15 भारतीय कंपनियों को चुना है। ये कंपनियां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई बनाएंगी। इन्होंने क्वालिटी टेस्ट भी पास कर लिया है। पीपीई कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत जरूरी होता है। पूरी दुनिया में अभी पीपीई किट की काफी डिमांड है। इस किट में हैजमेट सूट, गॉगल्स, मास्क, हेलमेट, ग्लव्स शामिल हैं। ये इन्फेक्शन से बचने के लिए पहने जाते हैं। एक पीपीई किट का इस्तेमाल एक ही बार होता है। इन कंपनियों को दी गई है जिम्मेदारी। बिजनेस टुडे के अनुसार अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय कंपनियां पीपीई नहीं बनाया करती थी, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर कुछ कंपनियों को चुना गया है। ये कंपनियां 7 दिन में इसे तैयार करना शुरू कर देंगी। अरविंद मिल्स, जेसीटी मिल्स फगवाड़ा, आमरे सेफ्टी, शोर सेफ्टी, साइस एनर्जी, श्री हेल्थ केयर जैसी कंपनियों को पीपीई बनाने के लिए चुना गया है। भारत को 60 लाख पीपीई चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि भारत को 60 लाख से ज्यादा पीपीई किट की जरूरत होगी। सरकार ने अभी तक 21 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया है। अभी भारत में रोजाना 6 से 7 हजार पीपीई रोजाना तैयार हो रहे हैं। अगले सप्ताह तक ये आंकड़ा 15 हजार रोजाना होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार का कहना है कि देश के अस्पतालों में 3.34 लाख पीपीई उपलब्ध हैं। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने चीन से 10 हजार पीपीई मांगे हैं। सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 3 लाख पीपीई बनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही 4 अप्रैल तक डोनेशन में मिली करीब 3 लाख पीपीई किट भी आ जाएंगी। कोरिया और सिंगापुर से मंगाई गई है ये किट। किट को लेकर विदेश मंत्रालय को भी काम पर लगाया गया है। उसके जरिए 20 लाख किट के ऑर्डर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने अभी तक सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं। विदेशों से मंगाई जा रही एक पीपीई किट 5000 रुपए की पड़ती है, वहीं भारतीय किट की कीमत 3000 रुपए तक है। बिजनेस टुडे ने लिखा है कि लॉकडाउन के चलते सड़क से सप्लाई बंद है, इसलिए सरकार कार्गो फ्लाइट यानी कि माल ले जाने वाले प्लेन से सप्लाई कर रही है। एयर इंडिया और अलायंस एयर फ्लाइट ये काम कर रही है। प्राइवेट विमान कंपनियां भी जरूरी मेडिकल सप्लाई कर रही हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लनटॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लनटॉप।